नमस्कार दोस्तों, के पी में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेकर आए नई वीडियो। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो सुजुक मोटर इंडम पैड लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, वो दोस्तों फिर से एक न्यू कैंपस प्लस में लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो उसी कैंपस प्लस के बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर साथ साथ ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं, ये जो कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है वो 10 फरवरी 2023 को कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो 10 फरवरी को आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है दोस्तों, वो एड्रेस मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बता दूंगा जहाँ जाना आपको पड़ेगा दोस्तों। इसमें जो दोस्तों आपको लिया जा रहा है वो 10th के साथ दोस्तों आपका आई कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। और इसमें जो आपको लिया जा रहा है वो FTC के तौर दोस्तों आपको जॉब दिया जाएगा। जो FTC होता है दोस्तों वो 7 मंथ के लिए आपको दोस्तों पहले लिया जाता है, जिसमें जो 7 मंथ में आपको पहले सैलरी दिया जाएगा वो 21,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। उसके साथ दोस्तों इसमें जो भी बेनिफिट्स होगा जैसे कि कैंटीन बॉस, PF, PSI, ये सब बेनिफिट्स आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप अगर 7 महीने अच्छे से काम करते हैं तो फिर से दोस्तों आपको दोबारा 7 महीने के लिए बुलाया जाता है। इस टाइप के दोस्तों आपको बुलाते जाएंगे आप अगर अच्छे से काम करेंगे तो। ये जो कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है बिल्कुल दोस्तों ये निःशुल्क प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, बिल्कुल दोस्तों आपको इसमें फ्री जॉब दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है ITI पास स्टूडेंट के लिए, ऐसे कैंपस प्लेसमेंट को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इसका जो और भी प्लांट है, जो मानेसर में एक प्लांट है और गुड़गांव में प्लांट है, जो दोस्तों TW और CW और जो दोस्तों अप्रेंटिस का उसमें वैकेंसी निकालती है, जिसमें दोस्तों आपको अच्छा सैलरी दिया जाता है। जो गुजरात वाले प्लांट में से उस प्लांट में ज़्यादा सैलरी दिया जाता है, तो उसका भी जब भी लिंक निकलता है दोस्तों तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आप भी अगर उस कंपनी में जाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा नोटिफिकेशन ऑल करके, ताकि जब भी उसका भी वैकेंसी आएगा तो मैं अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास जो है दोस्तों नोटिफिकेशन पे चला जाएगा। तो चलो दोस्तों बाकी की जानकारी मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको पूरा देने वाला हूँ। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मेरे साथ साथ दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आप इस कैंपस पर सुनने जाएंगे ताकि वहाँ पर जाना बता आप लोग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं सुजुक मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो सर, देख सकते हैं हम सुजुक मोटर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने अब दिया गया सुजुक मोटर, ये जो कंपनी है दोस्तों गुजरात में है, तो आप लोग जॉब लोकेशन भी गुजरात में रहने वाला है। यहाँ पे अबाउट कंपनी के बारे में दोस्तों लिखा हुआ है, आप अगर इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये कंपनी कब स्थापित हुई थी, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना $1 बिलियन का ये कंपनी है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कितना यूनिट्स है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नीचे चलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है वो 10th के साथ दोस्तों आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों आपका 10th में 40% नंबर होना चाहिए और ITI में आपका 50% नंबर होना चाहिए। ITI आप पास जो है NCVT से SCVT से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गवर्नमेंट ITI कॉलेज से ITI के हैं या प्राइवेट कॉलेज से ITI के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। जो यहाँ पे सुजुक मोटर में जो ITI ट्रेड लिया जा रहा है वो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, फीटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीन स्टूल एंड डायमेकर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर, ये सब दोस्तों जो है यहाँ पे ट्रेड दिया गया है। तो जिनका ट्रेड है वही केवल इसमें भाग ले सकते हैं, अदर ट्रेड वाले स्टूडेंट नहीं भाग ले सकते। तो आप लोग अपना ट्रेड देख लीजिएगा, उसके बाद ही कैंपस पर सुनने जाएंगे ताकि वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं पासिंग ईयर भी दिया गया, उसके साथ जो यहाँ पे पासिंग ईयर दिया गया 2018 से लेकर 2022 तक यहाँ पे पासिंग ईयर दिया गया। तो जिनका पासिंग ईयर 2018 से 22 तक है वही केवल इसमें जाएंगे, अदर कैंडिडेट को इसमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अदर वालों को इसमें नहीं लिया जाएगा। जेंडर की बात कर लेते हैं तो ओनली मेल कैंडिडेट को इसमें लिया जा रहा है, ओनली पुरुष कैंडिडेट ही इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो आपका एज लिमिट दिया गया, एज लिमिट दोस्तों इसमें बहुत ही कम रखा जाता है, फिर भी ठीक ठाक रखा गया। जिनका आज 18 से 24 साल तक है वो इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। नहीं आपका एज 18 से कम होना चाहिए, नहीं 24 साल से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें आपको जो जॉब दिया जा रहा है वो FTC के तौर आपको लिया जा रहा है, जिसमें आपको 7 मंथ के लिए लिया जाता है दोस्तों। जॉब लोकेशन आपका गुजरात में दिया जाएगा। सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर रहे तो सैलरी इसमें जो है दोस्तों आपको 21,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, इसमें से आपका CTC वगैरह काटा जाता है। जो काट कूट के हैंड सैलरी आपको मिलने वाला है 14,925 रुपया पर महीने आपको दोस्तों ये सैलरी जो आपका अकाउंट में आ जाएगा, सारा कुछ काट कूट के। उसके साथ जो भी बेनिफिट्स होगा वो बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा, जैसे कैंटीन बॉस, PF, PSI, ये सब आपको बेनिफिट्स दिया जाएगा।
जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा कैंपस पर सुनो वो यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं। अपडेट रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10-12 का मार्कशीट, ऑल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, आपका जो भी अपना क्वालिफिकेशन है आप अपना क्वालिफिकेशन का मार्कशीट लेके जाएंगे, बैंक का पासबुक लेके जाना, फोटो 4 कॉपी कलर वाला लेके जाना, और इन सारे डॉक्यूमेंट का 2-3 कॉपी जेरॉक्स कॉपी भी आप लेके जाएंगे ताकि वहाँ पर जाना बताओ आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 10 फरवरी 2023 को कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, सुबह 9:30 बजे आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है आप देख सकते हैं, कैंपस वेन्यू दिया गया, गवर्नमेंट आईटीआई बरन, डिस्ट्रिक्ट बरन, राजस्थान में दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, तो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग जाइए इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लीजिए दोस्तों, और इसमें आप जॉब पाइए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस कैंपस प्लेसमेंट के बारे में पता चले। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।